Greetings, I'm Sunil sir and I'm back with a new video. Friends, in this video we are going to talk about the important chapters with respect to your board exam. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स आप बताइए. सो जो भी चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं. आप ये मत समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपको करना ही करना है. तो जैसे पेपर वन और पेपर टू है, तो फ्रॉम पेपर वन आप चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 बहुत अच्छे से कीजिए. मतलब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन प्लांट. अगर आप ये तीन चैप्टर करते हो तो आपके 15 मार्क्स कन्फर्म होते हैं, क्योंकि 5 मार्क का एक चैप्टर है. पेपर टू में से जो मस्ट डू चैप्टर्स होंगे सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन और रिप्रोडक्शन, ये तीनों 5-5 मार्क के चैप्टर हैं, 15 मार्क. तो 15 और 15 30 मार्क्स आपको सिक्योर होते हैं 70 में से. अब जब आप चैप्टर वन की बात करोगे जेनेटिक्स, तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स के लॉस, शॉर्ट नोट्स आते हैं मल्टीपल एलील्स पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. चैप्टर टू में जब आप आओगे जीन इट्स नेचर रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन में, उसमें आप डीएनए का स्ट्रक्चर कीजिए, डीएनए का रेप्लिकेशन कीजिए, आरएनए का स्ट्रक्चर कीजिए, लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है. फोटोसिंथेसिस में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, केल्विन साइकिल, एचएसके पाथवे और कैम्प पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, अगर आपने किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि ETS के आने के चांसेस बहुत ही कम है. डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में से एक कंफर्म है, जो एग्जाम में आता ही आता है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अच्छा रेस्पिरेशन में एक और पार्ट है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके 3 स्टेप्स आप कर लीजिएगा. आरक्यू पे फोकस कीजिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब आप बात करोगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ एरोट्रोपस ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. और पॉलिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि पॉलिनेशन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा ही आएगा आपके लिए. अच्छा जब आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करोगे तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो जो आपको दिया गया, पर एंडोस्पर्म आ सकता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म या टाइप्स ऑफ सीड. जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, चलिए वन का, उसमें मैं बता देता हूँ. उसमें से आप PCR कर लीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, थर्मल साइक्लर होता है. ट्रांसजेनिक जो RDNA टेक्नोलॉजी वो कर लीजिए, ट्रांसपोसॉन्स पे शॉर्ट नोट्स आते हैं वो कर लीजिए. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से अगर आप चाहें तो यू कैन डू बायोगैस प्लांट, वो इंपॉर्टेंट है. ट्यूबलेट और फर्मेंटर इंपॉर्टेंट है. माइक्रोराइजर, ये सब छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं. जब आप पेपर टू की तरफ बढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोमिक्स, इसमें आप कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स, काफी इंपॉर्टेंट है. क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ करें या ना करें, दो टॉपिक करके जाएं, जैसे सेक्स डिटरमिनेशन, मैन, बर्ड और हनीबी का. तीसरा जो सेकेंड पार्ट होगा वो है सिंड्रोम्स के, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीन करके जाएं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत बड़ा चैप्टर है, पर चैप्टर से 2 मार्क का है, तो अगर आप ज्यादा फोकस ना भी करना चाहें तो भी चलेगा, 2 मार्क का रिस्क आप ले सकते हो. फिर भी अगर आपको नहीं छोड़ना उसे, तो उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कीजिए, HIV वायरस का डायग्राम कर लीजिए और ब्लड ग्रुपिंग कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं. सर्कुलेशन में से सब कुछ है, पर उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ECG का डायग्राम, पेस मेकर और ब्लड रिलेटेड कॉम्पोनेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कर लीजिए, VS ऑफ किडनी कर लीजिए, नेफ्रॉन का डायग्राम, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आया तो सीधा बड़े मार्क्स 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं आएगा. आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, ये आप कर लीजिए, और अमोनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, इरगोटेलिज्म, इनमें भी टॉपिक्स आप कर सकते हो. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म का डायग्राम, ओवम का डायग्राम, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आया तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आएगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल में चारों फेजेस का नाम एटलीस्ट याद रखिए, डेज याद रखिए, क्या हो रहा है वो. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं जाने देना, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तो लिखिए, की पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है. आपके टेक्स्ट बुक को जब आप ध्यान से देखोगे, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे अल्फाबेट ऐसे जो हाईलाइटेड है बोल्ड में, जब आप आंसर लिख रहे हो तो वो बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स आपके आंसर शीट में दिखने चाहिए.
बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना वास्ट है कि उसको आप लास्ट में करें तो भी चलेगा, करें भी तो क्या, उसमें आप टीएस और स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से कर लें, जो 12 क्रेनियल नर्व्स है उसको आप अच्छे से कर लें, क्योंकि उनमें से पूछते हैं कौन सा मोटर है, सेंसरी है, मिक्स्ड है, या तो फोर ब्रेन, ये सब ना आया तो हटके क्या आएगा, आई और ईयर। एंड ऑफ द वीडियो से इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं फॉर बोर्ड्स वो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चार चैप्टर पेपर वन से। पेपर टू में सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसी ऑर्डर में आप पढ़ लीजिए, और जब आठ चैप्टर आपके कंप्लीटली थरो हो जाए तब नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तो पेपर वन से वो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और जीन चैप्टर, और पेपर टू में से होगा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स। ये सारे चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, मतलब 18 में से 10 चैप्टर्स आप कर ले लो, तो आप इजिली एक 55-60 का स्कोर बोर्ड में कर सकते हो। जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना करोगे तो एटलीस्ट आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तब तक के लिए मैं सुनील सर विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डू वेल, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।